वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। यूपी में अध्यापकों के 51,000 पद रिक्त, जल्द शुरू होगी एक और शिक्षक भर्ती। कमेटी के गठन से साफ हो गया कि जल्द ही एक और शिक्षक भर्ती होगी। बेसिक शिक्षा 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती कर चुका है। इन दोनों भर्तियों की शुरुआत 2018 में हुई थी। 68,500 शिक्षक भर्ती में योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण लगभग 22,000 पद खाली रह गए थे। 69,000 भर्ती के तीसरे चरण में तैनाती की प्रक्रिया अभी चल रही है। बीते 2 सालों से 51,000 पद रिक्त हैं जिन पर भर्तियां होनी हैं। सीएम योगी का ऐलान, बारिश में जिनके घर गिरे हैं उन्हें आवाज दिलवाएगी यूपी सरकार। यूपी में बाढ़ का कहर जारी है। सीएम योगी भी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए हैं। शनिवार को डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के शाहपुर मंडी परिषद के परिसर में बाढ़ पीड़ितों को सहायता राशि प्रदान करने के बाद उन्हें संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 हफ्ते से हो रही भारी बारिश के कारण राप्त, बूढ़ी राप्ती, घोंगी और कूड़ी नदी का जल स्तर बढ़ जाने से बाढ़ का पानी आसपास के इलाकों तक चला गया है। मामूली खामियों से छात्रवृत्ति व फीस भरपाई से वंचित छात्र छात्राओं को मिली बड़ी राहत। समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति और फीस भरपाई योजना में पिछले शैक्षिक सत्र 2020-21 में आवेदन करने के बाद मामूली खामियों की वजह से छात्रवृत्ति व फीस भरपाई की सुविधा पाने से वंचित रह गए छात्र छात्राओं के लिए राहत भरी खबर आई है। सामान्य वर्ग के ऐसे 42,000 छात्र छात्राएं हैं जबकि अनुसूचित जाति के ऐसे वंचित छात्र छात्राओं की संख्या 99,000 है। 30,000 पदों पर भर्ती जल्द, जाने आवेदन की योग्यता और चयन की प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश में नौकरी की तलाश करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। होमगार्ड विभाग में 30,000 महिलाओं की भर्ती की जाएगी। इसके लिए सरकार की तरफ से प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से अनुमति मिलने के बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के होमगार्ड विभाग में काफी समय से बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं जिनकी वजह से काम प्रभावित हो रहे थे, लेकिन अब इन रिक्त पदों पर महिला और पुरुष अभ्यर्थियों की नियुक्तियों की तैयारी की जा रही है। यूपी के ई रिक्शा फर्राटा भरेंगे युगांडा और नेपाल की सड़कों पर। उत्तर प्रदेश के बने उत्पाद अब विदेशों में भी अपनी धाक जमाने लगे हैं। इसी कड़ी में यूपी की ईवी सिटी में बने ई रिक्शा युगांडा और नेपाल की सड़कों पर चलते दिखेंगे। यूपी की इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति ने दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में ई रिक्शा बना रहे कारोबारियों को लुभाया, जिसके चलते उक्त राज्यों में ई रिक्शा बनाकर उन्हें देश भर में बेचने वाले 50 बड़े कारोबारियों ने अब यहां पर अपनी फैक्ट्री लगाने का फैसला किया है। लखनऊ से चलने वाली 23 लग्जरी स्कैनिया का संचालन बंद, रोडवेज सेवाएं भी प्रभावित। कोरोना काल में लगातार नुकसान दे रही अनुबंधित लग्जरी स्कैनिया बसों को बंद कर दिया गया। राजधानी से विभिन्न जिलों और प्रदेश के बीच चलने वाली लखनऊ रीजन की 23 बसें बंद कर दी गईं। तमाम दावों के बाद भी स्कैनिया बसों को यात्री नहीं मिल पा रहे। अधिकारियों का मानना है कि कोरोना काल रोडवेज पर भारी पड़ा है। ये बसें लखनऊ से दिल्ली प्रदेश और जयपुर के बीच चल रही थी। इनके अलावा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, वाराणसी, बलिया आदि रूट्स पर ये जगह अनुबंधित सेवाएं दौड़ रही थी। सीएम योगी के आदेश के बाद फिरोजाबाद में कैंप करने पहुंचे वरिष्ठ अधिकारी, डेंगू की रोकथाम के दिए निर्देश। यूपी के फिरोजाबाद जिले में वायरल बुखार और डेंगू के प्रकोप के मद्देनजर जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग हालात को काबू में करने के लिए जुटे हैं। इसके अलावा केंद्र व यूपी सरकार के दल भी क्षेत्रों में लगातार दौरा कर स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में शुक्रवार तक वायरल बुखार व डेंगू से 50 लोगों की मौत हो चुकी है जिनमें ज्यादातर बच्चे हैं। उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार शनिवार को फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज पहुंचे जहां उन्होंने वार्ड्स में जाकर मरीजों का हाल जाना। संतों की चेतावनी, फैजाबाद की जगह अयोध्या लिखो वरना नहीं होने देंगे ओवैसी की रैली। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अब अयोध्या के नाम को लेकर राजनीति शुरू हो गई। 7 सितंबर को अयोध्या में होने वाली AIMIM की रैली को लेकर लगाए गए पोस्टर्स में अयोध्या की जगह फैजाबाद लिखे जाने पर संतों ने आपत्ति जताई। संतों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि पोस्टर से जल्द नाम न बदला गया तो वो 7 सितंबर को होने वाले ओवैसी की रैली नहीं होने देंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता ने ओवैसी की पार्टी के इस दांव को जवाबी कव्वाली करार दिया है। वोटर लिस्ट में जोड़ने के साथ छाटे जाएंगे नाम, नए वोटर्स पर रहेगा खास जोर। प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां जारी हैं। इसी क्रम में आगामी 1 नवंबर से वोटर लिस्ट का विशेष पुनरीक्षण अभियान शुरू होगा। इसमें 1 जनवरी 2022 को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले नए वोटर्स को जोड़ने पर खासा जोर रहेगा। इसके अलावा वोटर लिस्ट में महिला पुरुष अनुपात में और सुधार लाने के लिए अब तक वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाई महिलाओं के पंजीकरण के भी खास प्रयास होंगे। यूपी ग्राम पंचायत सहायक भर्ती में नया विवाद, ग्राम प्रधानों के उठाए कई सवाल।
यूपी पंचायत सहायक भर्ती में मेरिट लिस्ट बन चुकी है, अब ये प्रशासनिक समिति के पास है। ये समिति मेरिट की जांच कर रही है, 7 सितंबर से पहले ये प्रक्रिया पूरी हो जानी है। इस बीच रामपुर जिले के कुछ ग्राम प्रधानों ने इस बात पर सवाल खड़े कर दिए। ग्राम प्रधानों का कहना है कि इस भर्ती में शासनादेश के आदेश का पालन नहीं हो रहा, अब इस मामले में डीएम को ज्ञापन सौंपने की तैयारी है। लखनऊ नगर निगम के 684 फ्लैट्स के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू, अहाना एन्क्लेव को रेरा ने दी मंजूरी। नगर निगम के निर्माणाधीन अहाना एन्क्लेव आवासीय योजना को उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण की मंजूरी मिल गई। शहीद पथ के पास नगर निगम की आवासीय योजना तैयार हो रही है, जिसमें अपार्टमेंट का निर्माण होना है। नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि निर्माणाधीन अहाना एन्क्लेव को रेरा की मंजूरी मिल गई है, इसमें आवासीय योजना को मजबूती मिल सकेगी। किसानों को नहीं जलानी पड़ेगी पराली, इस तरीके से खेतों में ही नष्ट हो जाएंगे फसल अवशेष। उत्तर भारत के लिए काफी समय से पराली जलाना मुख्य समस्या बनी हुई है। हर साल पराली जलाने की घटनाएं दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में गिरावट लाने के साथ वायु प्रदूषण बढ़ाती हैं। इस बीच अब खरीफ फसलों की भी कटाई होनी है, लेकिन इस बार सरकार पहले से तैयार है कि किसान भाई खेतों में पराली न जलाकर कोई वैकल्पिक व्यवस्था अपनाएं। इसके लिए पराली निस्तारण यंत्रों पर अनुदान समेत कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। लड़ते हुए किसान का वीडियो ट्वीट कर अखिलेश का योगी पर तान, जब तो चौपायों ने भी अपना ली ठोको नीति। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी दलों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने लड़ते हुए सांड का वीडियो ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला। समाजवादी पार्टी के नेता ने ट्वीट किया कि गोरखपुर में अपना रंग दिखा रही है कुसंगति, अब तो चौपायों ने भी अपना ली ठोको नीति। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत को लेकर सुरक्षा कड़ी, राकेश टिकैत बोले हमें रोका तो बैरियर तोड़ देंगे। केंद्र के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक मेगा महापंचायत का आयोजन किया। भारतीय किसान संघ के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि महापंचायत के लिए पहुंचने वाले लोगों की संख्या को बताना असंभव है, लेकिन मैं वादा कर सकता हूं कि लोग बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए यूपी नेडा लगाएगा सोलर प्लांट, उपभोक्ताओं को मिलेगा अनुदान। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए यूपी नेडा सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं को अनुदान भी दे रही है। बस शर्त यह है कि उपभोक्ताओं को ये प्लांट यूपी नेडा के अधिकृत वेंडर से लगवाना होगा। प्लांट की वास्तविक कीमत पहले उपभोक्ताओं को एक मुश्त अदा करनी होगी, इसके बाद जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अनुदान की राशि उपभोक्ताओं के खाते में भेजी जाएगी। गन्ने के वेस्ट से चार्ज होगा मोबाइल, लखनऊ में अंबेडकर विश्वविद्यालय के शोधार्थी ने बनाया नैनो जनरेटर। गन्ने के वेस्ट से बनने वाले नैनो जनरेटर से आप अपने मोबाइल फोन को चलते हुए चार्ज कर सकते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर बीसी यादव के निर्देशन में शोधार्थी शक्ति सिंह ने इसका मॉडल तैयार किया। पर्यावरण अनुकूल इस मॉडल का बीते महीने विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह में प्रदर्शन किया गया। सर्वे के मुताबिक यूपी में खिलेगा कमल, मायावती बोली ये बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का षड्यंत्र है। भाजपा को 259 से 267 सीटें मिल सकती हैं, वहीं अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी को 109 से 117 सीटें, मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी को 12 से 16 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा कांग्रेस को 3 से 7 सीटें और अन्य को 6 से 10 सीटें मिल सकती हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को उत्तर प्रदेश में 42% वोट मिलने की संभावना सर्वे में जताई गई है। मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत को लेकर सुरक्षा फुल प्रूफ व्यवस्था, पीएसी की 6 कंपनीज होंगी तैनात। केंद्रीय कृषि कानूनों सहित किसानों से जुड़े मुद्दों पर रविवार को होने वाली किसान महापंचायत के लिए प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी की 6 कंपनीज और रैपिड एक्शन फोर्स की 2 कंपनीज तैनात की जाएंगी। सहारनपुर रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक प्रतिंदर सिंह ने शनिवार को कहा कि कार्यक्रम की वीडियोग्राफी कराई जाएगी, जबकि 5 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, 7 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और 40 पुलिस निरीक्षक सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। पूर्वांचल की विकास यात्रा से रूबरू कराएंगे सीएम योगी, वाराणसी में आज समागम। उत्तर भारत का गेटवे के रूप में अपनी पहचान बना रहा पूर्वांचल नित नए प्रगति की यात्रा तय कर रहा है। वाराणसी से हल्दिया जलमार्ग का विकास वाराणसी के साथ ही पूर्वांचल के उत्पादों को बांग्लादेश व नेपाल तक पहुंचाने की संभावनाओं का द्वार खोल दिया, जो कृषि निर्यात का बड़ा माध्यम बन सकता है। दूसरी तरफ लखनऊ से बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और मेरठ से वाराणसी तक गंगा एक्सप्रेसवे यात्रा की दूरी कम करने के साथ साथ औद्योगिक कॉरिडोर के विकास की उड़ान भरने जा रहा है। नोएडा के डीएम सुहास एलवाई ने टोक्यो में रचा इतिहास, अब लगाएंगे गोल्ड मेडल के लिए दांव।
भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी और गौतम बुद्ध नगर के जीएम सुहास एलवाई ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में इतिहास रच दिया। उन्होंने पुरुषों के LS4 वर्ग के एकल में इंडोनेशिया के सेतिवान फ्रेडी को सीधे गेम में 21-19 और 21-15 से मात देकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। वो देश के पहले ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने पैरालंपिक में मेडल पक्का कर लिया है। CBTA के एडमिट कार्ड जल्द इन वेबसाइट पर होंगे जारी। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा ग्रुप डी के विभिन्न पदों पर भर्ती की जानी है। इन पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा की तारीख जल्द घोषित किए जाने की संभावना है। इससे पहले ये परीक्षा अप्रैल से जून तक आयोजित की जानी थी, लेकिन देशभर में बढ़ते COVID-19 मामलों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। फिर बोर्ड ने नोटिस जारी करके बताया कि NTPC परीक्षा के बाद ही ग्रुप डी की परीक्षा आयोजित की जाएगी। बता दें कि इस परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवार परीक्षा के 4 दिन पहले RRB की रीजनल वेबसाइट पर यूजर ID और पासवर्ड के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। पूर्वोत्तर के 5 विद्रोही समूहों ने केंद्र सरकार के साथ कार्बी आंगलांग समझौते पर किए हस्ताक्षर। 1000 उग्रवादी करेंगे सरेंडर। पूर्वोत्तर के 5 विद्रोही समूहों ने केंद्र सरकार के साथ ऐतिहासिक कार्बी आंगलांग समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के वक्त गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा मौजूद थे। ये समझौता गृह मंत्रालय के दिल्ली स्थित नॉर्थ ब्लॉक कार्यालय में हुआ। इस समझौते के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं सभी जनप्रतिनिधियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 5 संगठन और असम CM समझौते की सभी शर्तों को समय रहते पूरा करेंगे। 1 अक्टूबर से ऑफिस टाइम होगा 12 घंटे का। ओवर टाइम के मिलेंगे पैसे और बढ़ेगा PF। नौकरी पेशा लोगों के लिए अगले महीने अक्टूबर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मोदी सरकार 1 अक्टूबर से श्रम कानून के नियमों में बदलाव करने की तैयारी में है। अगर ये नियम लागू हुआ तो 1 अक्टूबर से आपका ऑफिस टाइम बढ़ जाएगा। नए श्रम कानून में 12 घंटे काम करने की बात कही गई है। मरीजों को राहत, 39 जरूरी दवाइयों के दाम घटाने की तैयारी में मोदी सरकार। व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली कुछ आवश्यक दवाओं की कीमतों में कमी लाने की तैयारी सरकार कर रही है। सूत्रों ने कहा कि सरकार ने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में संशोधन किया है और प्रस्तावित मूल्य सीमा के लिए सूची के तहत 39 नए नाम जोड़े गए हैं। जिन दवाइयों के नाम सूची में जोड़े गए उनमें कुछ एंटीवायरल के अलावा कैंसर, मधुमेह, TB और HIV से लड़ने वाली दवाएं शामिल हैं। BSF में बिना परीक्षा के बन सकते हैं कांस्टेबल, बस करना होगा ये काम। सीमा सुरक्षा बल में नौकरी करने का सुनहरा मौका है। इसके लिए BSF ने स्पोर्ट्स पर्सन कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे BSF की आधिकारिक वेबसाइट recett.bsf.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज UP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।